जस्टिन बोल रहे हैं कि जस्टिन वर्सेस माइकल हु यू गॉट सो यस फ्रेंड्स हमारे पास बहुत जबरदस्त फाइट कार्ड है यू सी और जहां पे हमारे पास फाइट होगी माइकल चैंडलर वर्सेस जस्टिन गेची और जो सुनने में ये आया है कि आ, ये फाइट शायद ऑफर की ऑफर की गई थी शायद फॉर ए फाइव राउंड फाइट या मे बी ट्राई कर लो कर रहे थे कि ये फाइट है हो जाए फाइव राउंड फाइट बट जस्टिन गेची ने फाइव राउंड फाइव राउंड फाइट करने से मना कर दिया ही सेट आई विल नॉट फाइट फाइव राउंड्स और ऐसा इसलिए बिकॉज उनको सेम मिलेगा पैसा अगर वो फाइट करते हैं तीन राउंड या पाँच राउंड और ही फेल्ट की अगर ये फाइट नहीं है बेल्ट के लिए सो कोई सेंस नहीं बनता कि ये फ़ाइट होनी चाहिए फॉर फाइव राउंड्स और इसीलिए ये फाइट है ये हो गई है ए थ्री राउंड फाइट एटलीस्ट शायद ट्राई किया गया था कि ये फाइट हो जाए फॉर फाइव राउंड्स नाउ ऑन पेपर जो मुझे आ, जो मेरा है ये मानना कि घेची थोड़े से स्लो हो जाते हैं राउंड फोर राउंड फाइव में हल्के से अगर आप देखें गेची की फ़ाइट अगेंस्ट डिस्टिपोरिए अगर आप देखें उनकी फ़ाइट अगेंस्ट एडी एलवरिस् बिकॉज जो होता है उनका आउटपुट फर्स्ट टू राउंड में थ्री राउंड में वो बहुत ज़्यादा होता है वो पूरी अपनी जान झोंक देते हैं राउंड वन राउंड टू में और होता यह है कि उसके बाद उनके पास इतनी नहीं बनती रहती है, एनर्जी कि राउंड फोर राउंड फाइव में वो उसी पेस को उसी पेस के साथ वो फ़ाइट कर सकें एंड आई थिंक ये देखा है हमने गेची वर्सेस वर्सेज अश्निपोरी फ़ाइट में ये देखा है हमने गेची वर्सेस एडी अलव्रेस फाइट में कि जब फाइट लंबी जाती है राउंड फोर राउंड फाइव में तो ही गेट्स स्लाइटली टायर्ड उनके पास एनर्जी नहीं रहती इन टोनी फर्गसन फ़ाइट वो एक फ़ाइट है वो एक आउट है वो एक बहुत अलग फाइट थी सिर्फ वो फ़ाइट ऐसी थी जहाँ पे गेची ने अपना जो एनर्जी है उसको कंजर्व करके रखा और बहुत ज़्यादा जाता है बहुत ज़्यादा जाता है इस बात का रीज़न ऑन इस कोच ट्रेवर विटमैन वो कह रहे थे डोंट डोंट पंच अ लॉट वेट फॉर योर टाइम और इसकी वजह से उन्होंने याद दिलाया था उनको फाइट के बीच में भी राउंड वन राउंड टू के बाद की डोंट गो क्रेजी वेट फॉर योर शॉट और इसीलिए जो फाइट थी अगेंस्ट टोनी वो फाइव राउंड जाती है लगभग और इसीलिए आई आई फील की अगर ये फाइट होती है अगेंस्ट चैंडलर फॉर फाइव राउंड तो मे बी ही मस्ट बी ए डिसडवाटेज जब राउंड जाएगी राउंड फोर राउंड राउंड फाइव में और क्योंकि ये थर्ड राउंड फाइट है पॉसिबल है कि यहाँ पे थोड़ी सी होगी एडवांटेज विद के जी नाउ जो लोग कह रहे हैं एज पर ऑल पीपल कि चैंडलर इज द वेरी गुड फाइटर ऑन ग्राउंड चैंडलर विल पुट प्रेशर चैंडलर आगे बढ़ेंगे डालेंगे फॉरवर्ड प्रेशर और वो करेंगे कुछ के फाइट ग्राउंड पर जाए आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि अगर ये फाइट जाती है ऑन ग्राउंड चैंडलर इज़ अ बेटर फाइटर ऑन ग्राउंड जो मुझे लगता है हालांकि दोनों फाइटर आते हैं फ्रॉम इट सेम बैकग्राउंड दे आर बोथ फॉर्मर रेस्लर्स बट अभी भी आई थिंक कि अगर ये फाइट जाती है ऑन ग्राउंड चैंडलर हैज़ ए बेटर चांस टू फिनिश द फाइट ऑन ग्राउंड अगर ये फाइट जाती है uh, रहती है ऑन फीट आई थिंक गेची विल हैव मोर एडवांटेज गेच विल थ्रो मोर किक्स मोर पंचेस और यही पूरी इस कहानी पूरी फाइट की कहानी है कि क्या होगा इफ़ आई हैव टू पिक वन फाइट वन फाइटर आई थिंक आई विल पिक गेची मेरे हिसाब से बिकॉज थ्री राउंड फाइट है गेची जान झोंक देंगे डैमेज लेंगे डैमेज करेंगे दो पंच मारेंगे चार पंच खाएंगे बट क्योंकि ये थ्री राउंड फाइट है पॉसिबल है कि वो डैमेज इतना कर दे तीन राउंड में कि चैनर uh, के लिए वो बहुत ज़्यादा होगा सो यस दैट्स माई माई प्रोटेक्शन सो फार